अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम पे फुल फ़ोटो कैसे अपलोड करते हैं। पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस होती थी कि जब भी मैं इंस्टाग्राम पे अपनी कोई सी भी फुल फ़ोटो अपलोड करना चाहता था तो वो फ़ोटो उतनी ठीक तरीके से नहीं आती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपनी फ़ोटो को ऊपर से एडजस्ट करता था तो फ़ोटो नीचे से ठीक तरीके से नहीं आती थी, और जब मैं अपनी फ़ोटो को नीचे से एडजस्ट करता था तो फ़ोटो ऊपर से उतनी ठीक तरीके से नहीं आती। तो मैंने आज सोचा, चलो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसके हेल्प से आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। पहले आपको इसके लिए एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है पिक्सआर्ट। अगर आपके फ़ोन में पिक्सआर्ट की ऐप नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पिक्सआर्ट की ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करें। आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने अपनी पिक्सआर्ट की ऐप को ओपन कर लेना है, और जैसे ही आप अपनी पिक्सआर्ट की ऐप को ओपन करेंगे आपने उसी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हो। फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद आप देखेंगे नीचे ऑप्शंस आ रहे होंगे, आपने उन ऑप्शंस को स्लाइड करना है, स्लाइड करना है, स्लाइड करना है, और फिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप फिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे आप ऊपर एक टिक का निशान देखोगे, आपने उस टिक के निशान को सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप टिक के निशान को सेलेक्ट करोगे आपने फिर से नीचे दिए हुए ऑप्शंस को स्लाइड करना है, स्लाइड करना है, स्लाइड करना है, स्लाइड करना है, और ड्रा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ड्रा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे आप देखोगे कि ऊपर दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, एक ड्रा, दूसरा कलर। आपने फिर से ड्रा के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, और ऊपर तीन डॉट्स वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने उसको सेलेक्ट करके सेव इमेज कर लेना है, और फिर से टिक के निशान को सेलेक्ट कर लेना है। और अब आपने जो ऊपर एरो का निशान है उसको सेलेक्ट करके सेव इमेज गैलरी में कर लेना है। अगर आप चाहें तो फ़ोटो को शेयर भी कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। और अब आप फिर से अपने इंस्टाग्राम की ऐप को ओपन करेंगे और उसी फ़ोटो को जिसको आप कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम में फीड कर रहे थे लेकिन फ़ोटो फिट नहीं बैठ रही थी, अब आप जान जाएंगे फ़र्क जब आप उसी फ़ोटो को फिर से फीड करेंगे और वो फ़ोटो कितनी अच्छी तरह से फिट बैठ रही है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरी टिप हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। मैं फ़ोटो एडिटिंग और व्हाट्सएप स्टेटस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।